नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया में आपका स्वागत है। एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है, वो मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि वो मुद्दा है साहित्य से जुड़ा हुआ, और मुद्दा है वो एनसीईआरटी के उस फैसले का जो उसने केंद्र सरकार के कहने पे लिया है। एनसीईआरटी ने अब 12वीं कक्षा की पुस्तक से कुछ ऐसे साहित्यकारों की साहित्य और कविताओं को हटा दिया है, जिसको लेकर जो सरकार के विरोधी हैं, जो कुछ साहित्यकार हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ साहित्यकार भी मौजूद हैं, कवि भी मौजूद हैं और शिक्षाविद भी मौजूद हैं। तो मैं उनका परिचय आप लोगों से करवा देता हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ विनीत पांडे जी हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत अच्छा हस्ताक्षर है इस कविता के जगत की बात करें तो। और हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार दिनेश शर्मा दिनेश जी, और हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद पवन कुमार शर्मा जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले बात जो होगी, मैं विनीत पांडे जी से समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से, चाहे वो फिराक गोरखपुरी की बात कर लें या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात कर लें, ऐसे बड़े बड़े और विष्णु खरे की बात कर लें, तो इनकी कविताओं को अब जगह नहीं मिली है। तो इसका क्या हम आशय समझे, क्या इसका मतलब निकाला जा सकता है? देखिए, इसके दो मतलब निकल सकते हैं। पहला तो ये है कि कल मैं अपने एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं सकलानी साहब, उनको सुन रहा था जी। उनका कहना ये था कि नई शिक्षा नीति के तहत इस तरह के जो बदलाव हैं वो दरअसल पहले हो चुके थे, लेकिन कोविड काल की वजह से, उसमें जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उसकी वजह से ये लागू नहीं हो पाए थे। साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा, वो विषय ये था कि अब विद्यार्थियों पर नई शिक्षा नीति के तहत जो लर्निंग लोड है उसको कम करने की ओर प्रयासरत है, दिशा वही है। तो अगर लर्निंग लोड हम कम कर रहे हैं तो उसका एक ही उपाय है कि कंटेंट को कम किया जाए, और कंटेंट को अगर हम कम कर रहे हैं तो किसी न किसी लेखक, किसी न किसी कवि, उसकी जो रचना है, उसका जो चैप्टर है, उसका लोप होगा ही होगा। अगर हम इसको उस दृष्टि से देखें तो फिर यहां बहस की कोई बात ही नहीं है, कोई बिंदु ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि संयोगवश वो निराला या विष्णु खरे जी या अन्य जो कवि हैं उनकी रचनाओं पे ये हो गया, कैंची चल गई। ठीक है, अन्यथा अगर हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें, अगर केवल रचना की दृष्टि से हम देखें, तो हम हाँ ये कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं जी। तो हमको यह भी देखना होगा कि क्या उनकी ये रचना, जो गीत गाने दो मुझे पे जिस पे चर्चा हो रही है, इस रचना को हटाकर इन्हीं की कोई दूसरी रचना क्या उसको प्रविष्टि मिल रही है, या इनकी ये रचना हटा दी गई है? क्योंकि जिस पुस्तक की चर्चा हो रही है उस पुस्तक में इनकी दो रचनाएं हैं, एक गीत गाने दो मुझे और एक सरोज स्मृति। तो इस बात पे भी हम पुख्ता हमारे पास जानकारी है कि नहीं है कि सरोज स्मृति को भी हटा दिया गया है या नहीं? देखिए, विद्यार्थियों को अगर पढ़ना है और उनको थोड़ा थोड़ा सा ये बताना है कि कविताओं के प्रकार कैसे हो सकते हैं, ये राष्ट्रवाद की कविता, ये छायावाद की कविता, अगर उसमें निराला की एक कविता भी है, अगर एक काव्यांश भी है, तो भी हम इसके ऊपर इस तरह से नकारात्मक बहस नहीं कर सकते जी। दो रचनाएं ना होकर के उनकी एक रचना अगर मौजूद है जी, तो ठीक है जी। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। दिनेश जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, विपक्ष का आरोप लग रहा है कि जानबूझ करके कुछ साहित्यकारों को निशाना बनाया गया है, वो हो सकता है कि किसी खास विचारधारा से ताल्लुक रखते हों इसलिए उनको निशाना बनाया, या आपको भी यही बात सही लगती है कि चूंकि कंटेंट कम करना था तो कहीं ना कहीं तो कैंची चलनी थी तो इसलिए चल गई, इसमें कोई खास बात नहीं है? देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। पहली तो बात आपने खुद कही कि जैसी समय की आवश्यकता है, वो कोविड के बाद की जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं, या तो हम उसकी बात करें या उसके बिना भी जो स्थितियाँ हैं, जो सुधार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किए जाने हैं, उसके तहत कुछ ना कुछ तो होगा। और वो जैसा आपने कहा, वो कैंची कहीं ना कहीं तो चलेगी, वो नाम कोई भी हो सकता है जी। अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि ये निर्णय कोई व्यक्तिगत नहीं होता, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, कई महीनों की, मैं ये कहूँगा सालों की बैठकों के बाद और लाखों पाठकों से, शिक्षकों से सुझाव लेने के बाद इस तरह के फैसले किए जाते हैं। तो उसके ऊपर विवाद करना है, करने को तो आप करते रहिए, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो करते रहें,
लेकिन कहीं जैसा भी विनीत जी ने कहा कि कवि विशेष से तो कोई ऐसा नहीं है, अगर उनकी एक रचना वहां है या फिर दूसरे कवियों की भी हैं, आप किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के आप बहस का मुद्दा बनाएं तो ऐसा नहीं है। ऐसा भी मतलब विचारधारा की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि एक विचारधारा के सभी लोगों को हटा दिया गया है जी, तो उसको भी आप मुद्दा नहीं बना सकते। ठीक है, तो पवन जी आप शिक्षाविद भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, बहुत अच्छा तालमेल है आपके व्यक्तित्व में। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि अगर हम इतिहास की बात करें, आप इतिहास के शिक्षक भी हैं, आपने उन्हें बहुत बहुत प्रवीणता पाई हुई है, तो एक जो विपक्ष का आरोप ये है कि 12वीं कक्षा की किताब से मुगल दरबार को हटा देना, वो क्या मतलब, जो पहले से एक प्रथा चली आई थी कि शायद वो उसको मुस्लिमों का तुष्टीकरण समझ लें या एक खास विचारधारा को प्रेरित करने वाली बात कर लें, तो इसमें विपक्ष का आरोप है कि यही काम अब बीजेपी की सरकार भी कर रही है और कहीं ना कहीं भगवाकरण को बढ़ावा देने के लिए इस चैप्टर को हटाया जा रहा है। देखिए सर, इसमें ऐसा है, एक शिक्षाविद के नाते और इतिहास जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। जैसा कि सर ने कहा, दिनेश जी ने और पांडे जी ने कहा कि हम उस सिलेबस को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, हमें ये नहीं देख रहे उसमें कि किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है, ना तो इसमें कहीं तुष्टिकरण है और ना ही कुछ है। सिर्फ ये कहा, इसमें देखा गया बच्चों का हित कि उन्हें अननेसेसरी जो है इसमें ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और जो इतिहास हमारा है उसको इस ढंग से पेश किया जाए कि बच्चे अपना इतिहास भी जान सकें और जो शुरू से चला आ रहा है उसमें भी बच्चे प्रवीणता हासिल करें। जी, आजकल जो देखा जा रहा है, अगर आप बच्चों से पूछ लीजिए, 12वीं कक्षा के बच्चों से पूछ लीजिए कि अकबर के पिता का क्या नाम था या अकबर के बेटे का क्या नाम था, तो वो सारी बातें बता देंगे वो कि हाँ भाई हुमायूं थे, अकबर थे, शाहजहां थे और तमाम उनकी पूरी पीढ़ी के बारे में आज की नई पीढ़ी बता सकती है। लेकिन अगर उनसे आप महाराणा प्रताप की आगे की तीन पीढ़ियों के बारे में पूछ लें, उनसे पीछे की तीन पीढ़ियों के बारे में पूछ लें, छत्रपति शिवाजी के बारे में पूछ लें, तो शायद उनको ये मालूमात बहुत कम है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी तक कुछ ना कुछ पक्षपात तो हो रहा था जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, उसमें बात ये है सर कि जो हमने पिछला इतिहास पढ़ा और जो बच्चे अपना इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें वो तालमेल नहीं बैठा पाते। इसमें तुष्टिकरण या उसको पढ़ना या इसको पढ़ना विषय नहीं है। जब हम अकबर को पढ़ रहे हैं तो उसमें महाराणा प्रताप का भी जीवन परिचय आता है, उनके पिताजी का नाम, दादा। जाहिर सी बात है कि जब आप अकबर नामा पढ़ रहे होते हैं, पाठ्यक्रम में अकबर नामा है, तो उसमें बहुत अच्छा पोर्ट्रेट करके महाराणा प्रताप को तो नहीं बताया गया? उसमें नहीं बताया गया है। हाँ। केवल जो युद्ध हुआ है हल्दी घाटी का, हाँ, उसके बारे में बताया गया है और सामने जो उनका इंटरेक्शन हुआ आपस में वो बताया गया। और अक्सर यही कहा जाता है कि जो विजेता होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, तो ये तो बताया गया कि हल्दी घाटी में युद्ध हुआ और ये भी बताया गया कि हल्दी घाटी में पराजित हो गए महाराणा प्रताप, जबकि सच्चाई कुछ और है। अभी अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स की बात करें या जो अभी के जो इतिहासकार हैं उनकी राय उस वक्त के इतिहासकार से जुदा है, तो आपको लगता है कि शायद सरकार की ये पहल है कि जो सही इतिहास है उसको सामने लाया जाए? हाँ, ये बात ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि डिग्रेडिंग ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं हम इसको जी, कि जो तथ्य जैसे आप कह रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, असल में इतिहास क्या है, इतिहास इफ एंड बट है, यदि ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता जी। तो एक पॉइंट पे आके इतिहास जो है बदल जाता है, वो किस वजह से बदलता है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तुष्टिकरण की या इस तरह की, बच्चों को अपनी जो प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और जो वो पढ़ रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। जी जी, विनीत जी आपका रुख करें तो एक ये कहा जाता है कि अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात की जाए तो वो मुक्त छंद के कवि रहे, मतलब जिस भाषा में भाव आ रहा है उसी भाषा में कविता लिखी जानी चाहिए, ये उनका कहना है। और बाद के कवियों की बात कर लें या उनसे उनके समकालीन कवियों की बात कर लें तो उनकी हिंदी बड़ी अच्छी हिंदी रही है, हिंदी के वाक्यों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, शब्दों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन निराला जी की ये खासियत रही कि खड़ी हिंदी में जो वो
कविता लिखते थे, जो खड़ी हिंदी में वो अपने विचारों को व्यक्त करते थे, तो आपको लगता है कि वो जो आंचलिकता वाली बात है और जो वो खड़ी बोली वाली बात है, तो वो अब जो आज के दौर के विद्यार्थी हैं, जो ऑलरेडी उनके जो वाक विन्यास हैं या जो उनके बोलचाल की भाषा है, वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, तो उस दौर में अगर निराला जी की कविता को भी इस पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए तो कुछ ना कुछ कमी वो महसूस करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी भी कालखंड की जो भाषा होती है वो हमारे आसपास के जो सामाजिक हमारा परिवेश होता है उस पर निर्भर करती है। आज की तारीख में जहाँ से हम भाषा सीखते हैं, आत्मसात करते हैं, शब्दों को समाहित करते हैं, वो उसके जो स्रोत हैं, टीवी, वीडियो, मोबाइल, हमारे आसपास की जो जो लोग हैं, जिस तरह से जो बात करते हैं, उनको छोड़ के यदि हम ये समझते हैं कि किसी एक विषय के एक चैप्टर की एक कविता में जो अगर वो चार पांच शब्द समाहित हैं और उससे बच्चे सीख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल मतलब सटीक बात होगी। हाँ, परिचय होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज और है, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि अगर इतिहास में या किसी भी दूसरे विषय में हम देखें कि भाई फलाने की पूरी वंशावली हमको पता है, लेकिन इनकी वंशावली का पता नहीं है, इनके बेटे का, इनके पिताजी का नाम पता नहीं है। अब इसमें एक बहुत बारीक सी बात है, आप ये देखें, हमें मुगल शासन की वंशावली का पता क्यों है, ये भी तो हमको देखना होगा। आप तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं उठाकर देख लीजिए, आप तमाम जो सिलेबस वाली परीक्षाएं होती हैं वो उठा के देख लीजिए, जब प्रश्न पूछे जाते हैं, जब वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें येन केन प्रकारेण हमको वो वंशावली याद करनी पड़ती है। अगर आप प्रश्न उस चैप्टर से पूछना बंद कर दें तो उस चैप्टर की प्रासंगिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यदि आप खुद सोच के देखें, यदि किसी आंचलिक भाषा के प्रयोग वाली कविता, हालांकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अगर आप देखें और इसी विषय में देखें, इसी पुस्तक में देखें, जो उनका उनकी जिस रचना पे बात हो रही है कि हटा दी गई है, वो रचना दरअसल एक गीत है, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने दो, ये गीत है वो, तो ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, निराला की जो कविता थी जिसको आप मुखचंद की कविता कह रहे हैं, उसको हम आधुनिक अकविता, आज के कालखंड की आधुनिक अकविता का उदय मान सकते हैं जी। उसे देख करके कई लोगों ने लिखना शुरू किया, तो क्या हम किसी प्रेरणा स्रोत को बंद कर रहे हैं, ये हमको देखना होगा। एक खास विधा, एक खास प्रकार के प्रेरणा स्रोत को बंद कर रहे हैं, केवल भाषा या शब्द विन्यास या कहीं के कुछ दो चार उदाहरण को हम अगर देखने लगें, तो आप ये खुद सोचिए कि हमको इतनी ज्यादा विविधता है हिंदी काव्य जगत में, हम क्या क्या समाहित करें, उसमें हम क्या क्या समाहित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने कहा और इतिहास की बात कही, आप ये कह रहे हैं महाराणा प्रताप की वंशावली का, अब आप, मैं झारखंड से आता हूं, वहां से अगर कोई आवाज ये उठाने लगे कि भाई भगवान बिरसा मुंडा की वंशावली का भी आपको पता नहीं है, सिद्धू कान्हू का भी वंशावली का आपको पता नहीं है, अब बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले कहने लगे कि भाई आल्हा उदल की वंशावली का पता नहीं है, तो फिर तो हमको वंशावली की एक किताब बनानी पड़ेगी जी। उसमें से भी हमको चयन करना होगा कि छात्र हित में उनकी आवश्यकता के अनुरूप क्या आवश्यक है, तो इस पर गहन मंथन की आवश्यकता है जी, ऐसा मेरा मानना है। और दिनेश जी, अगर बात हम करें फिर आप गोरखपुरी की, उनके गजल को भी अब जगह नहीं दी गई है, और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको ये नहीं पता हो कि भले वो उर्दू शायरी के बहुत बड़े गजलकार रहे और बहुत अच्छी गजलें लिखी है उन्होंने, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वो दरअसल रघुपति सहाय थे। वो फिराक गोरखपुरी से कुछ ऐसा लोग ना समझे, फिराक अपने आप में थोड़ा सा उर्दू सी बात हो जाती है, तो कुछ जो बहुत ही नौसिखिए लोग थे उन्होंने इस पे, इस बात पे विरोध कर दिया कि फिराक गोरखपुरी चूंकि वो उर्दू शायरी और ये थे इसलिए उनको जगह नहीं दी गई पाठ्यक्रम में, तो हाँ, तो यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या वो गजल जो अभी हमारे 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम में था वो प्रासंगिक था, या कंटेंट के नाम पे हटाया गया, या ये समझ करके हटाया गया कि बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। देखिए, इसमें दो बात है, अभी विनीत भाई कह रहे थे वहाँ से मैं शुरू करूँगा, उन्होंने कहा कि एक विधा है काव्य की, उसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मतलब पूरा भारतवर्ष
मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में इस समय एक मुहिम चल रही है कि हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ें। आज का युवा तनाव की स्थिति में है जी। अब उस स्थिति में अगर उसको आप नकारात्मक, चाहे किसी भी तरीके से कोई नकारात्मक विषय वस्तु दे रहे हैं, बता रहे हैं, विचार दे रहे हैं, तो उसका परिणाम आप क्या देखते हैं? पहली बात। अब मैं किसी नाम विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूं, बात है रचना की जी। उस रचना का आउटपुट क्या है? अब सर की बात हो रही थी, अब क्लास में आप जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको बताएंगे क्या? जो लिखा गया वही तो बताएंगे? आप आंदोलन कर दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन वो जब की बात थी और आज क्या स्थिति है जी। उन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, पहली बात जी। दूसरी बात जो आपने कही, जो नाम अभी आप ले रहे थे, उनकी एक और रचना है, वो रखी गई है, पहली बात। दूसरी बात गजल की आप बात कर रहे हैं, आप एक तो कोविड, और दूसरा विद्यालय में जब आप देखेंगे कि हमें हिंदी को बढ़ावा भी देना, केवल पढ़ाना नहीं है, हिंदी में बच्चे की रुचि रहे। रुचि के लिए जरूरी है कि हर चीज़ ना अध्यापक उसको एक्सप्लेन करे, बताए, वो 40 मिनट में या एक साल में आप रुचि पैदा उस तरह से नहीं कर सकते जब तक बच्चे के अंदर से वो भावना पैदा नहीं होगी। और वो भावना पैदा हो नहीं सकती क्योंकि उसकी भाषा का जो स्तर है वो क्या है जी। वो देखना पड़ेगा। मतलब आप एक बार बता के निकले, वो भाषा कम से कम ऐसी हो कि आपने बताया और बच्चे को समझ में आ गया। मतलब समकालीन भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो भी। तो वो कहीं ना कहीं वो भाषा इस तरह की है। पहली बात तो ये है कि गजलें आजकल सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, लेकिन किस तरह की पढ़ी और सुनी जाती है, ये चीज आप और हम समझ लें जी। उसके बाद इसके ऊपर बहस करें जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें बस एक बात जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि आपने नाम लिया फिराक गोरखपुरी की गजलें, तो सवाल ये नहीं है कि फिराक गोरखपुरी की गजल है वो या रघुपति सहाय की गजल है, सवाल ये है कि हम किस विषय में, किस भाषा की बात कर रहे हैं। हिंदी विषय में उर्दू के गजलों की बात कर रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा, अगर आपको गजल ही पढ़ाना है या गजल से ही परिचय कराना है तो आप दुष्यंत की गजलें लीजिए ना, हिंदी में गजलें हैं, वो हिंदी की गजलें हैं, सारी बहर मीटर सब वही होता है, बस भाषा जो है वो हिंदी। श्रीधर पाठक 1900 के आसपास की जो है, कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमन जु वीणा बजा रही है, इसको लीजिए ना भाई। आपको गजल ही से अगर परिचय कराना है तो आवश्यक थोड़ी है कि रघुपति सहाय, जिन्होंने फिराक गोरखपुरी के नाम से उर्दू में गजलें कही हैं, उसको हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और वो ना होने की वजह से अब एक नया विवाद उत्पन्न हो रहा है। ये तो अपने आप में बड़ी एक विचित्र सी बात है जी। और ये भी कहा जाता है कि चूंकि फिराक गोरखपुरी के ताल्लुकात नेहरू जी से बड़े प्रगाढ़ रहे हैं, बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, तो इसको कांग्रेस और बीजेपी से जोड़ के भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि क्या वो चूंकि उस विचारधारा के आदमी थे, कांग्रेस से बहुत करीबी थे, इसलिए शायद उनको जगह नहीं दी जा रही है इस साहित्य में और इस पाठ्यक्रम में। अगर ऐसी ही बात होती तो आप यकीन मानिए फिराक गोरखपुरी को 2014 में बाहर कर दिया गया होता। अगर वो पिछले लगभग एक दशक से, मतलब मैं नई सरकार आने के बाद की बात कर रहा हूं, पहले से तो वो चलते ही चले आ रहे हैं, उनका परिचय नेहरू से था इसलिए वो सन 2023 में हटाए जा रहे हैं, ये कहीं से गले में नहीं उतरती ये बात। ये हटाना होता तो उनको बहुत पहले से हटा चुके होते, एक बात ये। दूसरी, जैसा कि अभी दिनेश जी कह रहे थे, ये निर्णय कोई एक व्यक्ति लेता नहीं, कमेटी होती होगी, मुझे पता नहीं क्या है अंदर, वो पूरी कमेटी होती होगी, लोगों का एक समूह होता होगा। जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, उससे थोड़ा सा बात और स्पष्ट हो पाएगी कि वो एक पूरी कमेटी होती है 15 से 20 लोगों की, और वो अलग अलग विश्वविद्यालयों से कुलपति, उप कुलपति और भाषाविद, वो सारे लोग होते हैं। उसके अलावा जो उस विषय का शिक्षण कर रहे हैं उन लोगों के सुझाव लिए जाते हैं, उसके बाद ये निर्णय होता है। फिर तो आपको यही देखना पड़ेगा ना कि इन कमेटियों में जो लोग थे या जो लोग सुझाव दे रहे हैं वो नेहरू के करीब के थे के किसके करीब के थे, कि अभी तक उन्होंने ये सुझाव नहीं दिया कि इसको ऐसे करो। तो ये जो संबंध है ना, इसको हमको थोड़ी दूसरी दृष्टि से देखना पड़ेगा। पवन जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि इतिहास की बात करें तो अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि इतिहास में जो ज़्यादातर चैप्टर है वो उन इतिहासकारों का है जो कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं ज़्यादा, और इस पर काफ़ी विवाद भी होता रहा है, खास करके 2014 के बाद से इस पर काफ़ी विवाद हुआ है कि इतिहास को हम वामपंथी की नज़रों से ना देखें, इतिहास वो हो जो वाकई इतिहास है। जैसे कि सर मैंने पहले कहा, इतिहास अब वो
नहीं रहा कि आप डेट ऑफ बर्थ याद कर लो या इस तरह से, इतिहास अब एक विज्ञान बन चुका है। और अगर उस हिसाब से देखें तो इतिहास जो हमारा भूतकाल है और भविष्यकाल है उसके बीच की एक कड़ी है, हमें उसी उसे किसी विचारधारा के हिसाब से या वैसे नहीं देखना चाहिए, जो उसमें तथ्य दिए गए हैं। जैसे कि आम भाषा में हम कहते हैं कि अच्छी चीज़ अगर हमें कहीं से भी मिलती है तो हम ले सकते हैं, और मान लो उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है उसको हम हटा भी सकते हैं, ये बात आती है। लेकिन यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि इतिहास को हम किस ढंग से पढ़ाएं। इतिहास को हम इस ढंग से पढ़ाएं कि जो हमारा प्राचीन काल से इतिहास चला आ रहा है और जो इतिहासकारों ने लिखा उसमें विचारधारा इतने मायने नहीं रखती जो शुरू से, जैसे अब हम अपनी ही बात लें, 55 साल की उम्र हो गई, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, गुरुजनों ने हमें पढ़ाया या हम आगे पढ़ा रहे हैं, उसमें कहीं भी कटुता का अभाव या कुछ नहीं है। एक इतिहास जो है वो हमें ये बताता है कि जो पिछला काम हुआ वो किस स्तर पर हुआ और आगे हमें किस ढंग से काम करना है, और जो उसमें अच्छी बातें हैं, और इतिहास में अब एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। मतलब ये माना जाए कि भूत की गलतियों से सीख लेके सीखने का भविष्य को सुधारना ही इतिहास है जी। हम इसको किसी कटुता या विचारधारा तक सीमित नहीं कर सकते। जो अच्छी बातें हैं, जो हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं और इस बात को सब विद्वान जन या सब मानते हैं कि कहीं ना कहीं डिग्रेडिंग होता है, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, या आम भाषा में इसको कह देते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्ट से पढ़ें, रुचि से पढ़ें। हम उनको जैसे हम टीवी पे लाइव शो दिखाते हैं, उनके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि गुरुजी हमें ये पढ़ा रहे हैं, हमें ये पढ़ना है, सर पढ़ा रहे हैं, और हमें किस लेवल तक अपनी मानसिकता को उसको तैयार करना। जी जी, तो विनीत जी आप तो बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, व्यंग में बड़ी खास पकड़ है आपकी, तो मैं ये चाहूँगा कि हास्य व्यंग के माध्यम से अगर हम इस माहौल को समझना चाहें आपकी कविता के माध्यम से, तो किस तरीके से समझ सकते हैं? बिल्कुल इस माहौल पे तो नहीं, लेकिन एक विषय आजकल बहुत चल रहा है जी। और विषय ये चल रहा है, अभी कल परसों खूब इस पर चर्चा भी हुई है कि भ्रष्टाचार हटाने की मुहिम पे बहुत जोर दिया जा रहा है। उस पर एक छोटी सी व्यंग कविता मैं आपको सुनाता हूँ। जिन दिनों ये कविता लिखी गई थी बड़ी मशहूर हुई थी और आज बिल्कुल प्रासंगिक है ये कविता। देखिए, जैसे ही हम भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं ना, हमारे जहन में एक पॉलिटिकल फिगर बनती है कि कोई नेता होगा, नेता की बात करेंगे हम। लेकिन नहीं, आप ये पाएंगे कि उससे एक स्तर हम अगर नीचे आए, ब्यूरोक्रेसी में अगर हम आए, तो भाई साहब असली भ्रष्टाचार तो वही है। ठीक है, अब पीछे जो कुछ एक छापे पड़े हैं तो हमने ये पाया, देखा कि ये जो 2000 के नोट हमें हाथ में नहीं आते हमारे, वो दरअसल हैं कहाँ पे, वो पता चला हमको उन छापों में। तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भूमिका बस इतनी सी है कि एक साहब हैं और उनसे कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। छोटी सी कविता सुनिएगा भ्रष्टाचार पर। विद्यार्थियों ने साहब से प्रश्न किया, सर ये देश में जो भ्रष्टाचार है कभी मिटेगा या नहीं? साहब ने छूटते ही कहा कि पहले तो तुम्हारे सवाल में ही कलेश है भाई। वो ब्यूरोक्रेट कहेगा, ब्यूरोक्रेट जो आपकी बात सीधी सीधी मान ले जब तक अपना फुल स्टॉप कॉमा उसमें नहीं लगाएगा, बोले कि सर विद्यार्थियों ने सवाल साहब से सवाल पूछा, सर देश में जो भ्रष्टाचार है वो कभी मिटेगा या नहीं? साहब ने छूटते ही कहा, पहले तो तुम्हारे सवाल में ही कलेश है, देश में भ्रष्टाचार है कहां? भ्रष्टाचार में देश है। देश में भ्रष्टाचार है कहां? भ्रष्टाचार में देश है। अच्छा, एक सवाल और बनता है यहाँ पे। अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था कि इस तरीके से जो निशाना बनाया गया, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात कर लें या फिर आप गोरखपुरी की बात कर लें, तो इस इन दोनों बड़े साहित्यकार, दो बड़े कवियों को वहाँ जगह ना दे करके उत्तर प्रदेश के साथ नाइंसाफी की जा रही है और जानबूझ करके सरकार कर रही है। अब अखिलेश जी की बात का तो कितना ही हम सीरियसली लें, उनके हिसाब से तो फिर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता को भारत रत्न भी मिल जाना चाहिए था। तो अब उनकी अगर हर बात पे हम ध्यान देने लगें तो फिर वो तो सारस के पीछे अपना उन्होंने पूरा दिन बिता रखा है,
और उनके हिसाब से तो जब तक उनकी सरकार नहीं होगी तब तक इस देश में कुछ होगा ही नहीं। तो उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं इन मुद्दों को उठाना, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बड़े साहित्यकार हुए हैं। अगर हमको 11 पेज 12 पेज या 20 पेज का उसकी हमारे पास सीमा है कि इस 20 पेज में हमको काव्यखंड रखना है, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी दें या कुछ भी करें तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 कवियों को रख सकते हैं। तो उसमें अगर उत्तर प्रदेश के कवि छूट रहे हैं तो महाराष्ट्र के भी छूट सकते हैं, बिहार के भी छूट सकते हैं, बंगाल के भी छूट सकते हैं। ये उनकी अपनी राजनीति हो सकती है, इससे उसका कोई मेरे ख्याल से संबंध नहीं है। जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे भी चाहूँगा। देखिए, मैं तो वही बात कहूँगा जैसे पहले भी हमारी बात हुई थी और विनीत जी ने कहा शिक्षा को सरलीकरण की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, और बात आप कर रहे हैं एक कविता की, दो कविताओं की। मैं थोड़ा सा विषय रूपांतर आपको लगेगा लेकिन विषय वही है। इसी सरकार ने 9वीं से 12वीं तक की संस्कृत की पुस्तकों में बदलाव किया था, और अभी जो कुछ दिनों में आ जाएगा, आप लोगों मीडिया में भी आ जाएगा, पर जो एक जानकारी मेरे पास है और लगभग आप उसको पुष्ट मानिए कि 9वीं से 12वीं तक की जो पहले किताबें थी वो दोबारा लगाई जा रही हैं बिना किसी परिवर्तन के। और उसका केवल और केवल एक कारण है कि सभी शिक्षाविदों ने, अध्यापकों ने उन पुस्तकों को जो लगाया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा बच्चों के लिए उपयोगी नहीं पाया, तो पूरी की पूरी पुस्तक दोबारा से वही लगाई जा रही है। अब इस बात को आप कैसे देखेंगे? तो इसलिए इसको अच्छी नीयत से देखें और बच्चों के हित में समझें। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे दिनेश जी ने कहा, जैसे भगत सिंह के बारे में दो पंक्तियां हैं कि भगत सिंह केवल नाम नहीं, एक इतिहास है, हर देशवासी को महसूस हो यह एहसास है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, इनके नाम हम जानते हैं, लेकिन कई ऐसी नींव की ईंट हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने देश के लिए क्या बलिदान किए क्या नहीं किए। तो इसको अगर हम इस तरह से समाप्त करें चर्चा को कि जो इतिहास है वो हमें अपनी भूलों से सीखने का सबक देता है और भविष्य में वो भूलें ना दोहराई जाएं, इस बात की ओर प्रेरित करता है। बाकी जो विचारधाराओं की बात है, वो जैसे कहते हैं कि विचारधारा किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो देश हित है वो एक ही होता है। हाँ, और इस पर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके से दुर्भावना से प्रेरित कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का द्वेष विद्वेष नहीं होना चाहिए, ये केवल बच्चों के लिए है कि उनका बर्डन कम किया जा रहा है, और कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता, वो बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने मेहमानों का करूंगा जो हमारे साथ जुड़े, तीनों मेहमान, उन्होंने अपनी बात रखी और ये भी समझाया कि अगर हम कहते हैं कि जो आज के बच्चे हैं वो कल का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का आईना बनेंगे वो, तो अगर उनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ वजह है। और जो एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है वो है कि कोविड काल में जिस तरीके से मानसिक रूप से परेशान हुए बच्चे, तो उसके कारण से अब जो पाठ्यक्रम है उसमें कंटेंट को घटाया जा रहा है और इसमें ना कोई राजनीति है ना शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश की है। तो हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सभी का धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास पेशकश जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि अगर पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है, कुछ साहित्यकारों के उनकी जो रचना है, कुछ कविताएं हैं, उसको अगर हटाया जा रहा है तो उसमें किसी तरीके से ना तो दुर्भावना है ना राजनीति है, बल्कि एनसीईआरटी ने जो कदम उठाया है वो बच्चों की भलाई के लिए उठाया है, ताकि उस पर जो अनावश्यक शिक्षा का जो बोझ बन चुका था उसको कम किया जा सके और उसको एक सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।